दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पेंशन कटौती के संबंध में एक नई खबर सामने आ रही है। पेंशन कटौती पर सैनिकों की सरकार को चेतावनी, पूरी डिटेल्स को जानिए इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पेंशन घटाने संबंधी विधेयक से आक्रोशित पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। सेना में पेंशन कटौती से संबंधित समाचार सुनकर देश भर में सैनिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। पूर्व सैनिकों ने निर्णय लिया कि यदि केंद्र सरकार पेंशन कटौती संबंधी बिल लेकर आती है तो पूरे देश भर में पूर्व सैनिक जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सैनिक के परिवार ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी इस मुश्किल घड़ी में सैनिकों के साथ खड़ा है। आगे उन्होंने कहा कि समय के अनुसार सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए, लेकिन सरकार जहां जय जवान जय किसान की बात करती है और नारा देती है, लेकिन वास्तविकता कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि आज सैनिक और किसान जिसकी बात सरकार करती है, दोनों सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों के पेंशन कटाने पर अब तक स्थिति स्पष्ट न होने से आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने शनिवार को सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन किया, जिसमें विधायक राजेंद्र राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन में मास्क पहनकर सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया गया। सैनिकों ने आक्रोशित होकर कहा कि अगर सरकार ने पेंशन में कटौती संबंधी बिल पारित किया तो पूर्व सैनिक प्रदेश के साथ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। प्रदर्शन खत्म होने के बाद उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि ऐसा करती है सरकार तो ये नियमों के खिलाफ है, सैनिकों के साथ अन्याय है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।